मूवी बना रहे थे हाँ। वो बेचारा अपना धंधा छोड़ के आए थे। अच्छा देख मोहब्बत तुम तो आप हमें ऊपर बिठा दे, आप नीचे क्यों बैठ गए? पागल हो क्या? नहीं यार अच्छी बात नहीं है ना सल्लू भाई, ये आप डायरेक्टर नहीं नहीं सल्लू भाई आप ऊपर बैठे भाई हम यार आप ऊपर बैठे हैं, आप नीचे क्यों बैठ गए? नहीं अबे ये बच्चा बच्चा बहुत बुरा मेरी वजह से बैठे हैं ये लोग। अच्छा हाँ इस भाई ने तो टारगेट करके बजाया सल्लू भाई का काम देख रही हो सकता। वो तो ठीक है लेकिन आप नीचे अच्छे नहीं लग रहे बैठे हुए, आप साथ देखें उम्र के लिए ऐसे बोल जाइए समझ नहीं हमारे उम्र के लिए बैठे रहे। नहीं नहीं हमारे साहब जुएज में बस यही मैंने आपको कल अर्ज की थी साहब माशाल्लाह हमारे बहुत नाइस पर्सन है। अरे सर देखें आप ये आप देख रहे हैं दोस्तों ये है ये इनका हाल, हमें ऊपर बिठाया और खुद नीचे बैठ गए। खुद नीचे बैठ गए ये शराफत है इंसान की, इतने शरीफ। और ये इनका घर का सामान है। ये सल्लू भाई का घर है और ये टूटने से पहले की वीडियो है, आप देख सकते हैं इनको। मैं उनको बोल भी रहा हूँ आप ऊपर आ जाओ, आज नहीं दे शहंशाह बंदा है। अच्छा तो दो विलोज मेरे पास मेरे चौकीदार थे हाँ। तो मेरा जब बारिश में नुकसान हुआ था बेचारे में मैं काम करा रहे थे चलवा रहे थे सब चीज़ हाँ। और नुकसान हुआ पूरा घर गिर गया था, उन्होंने मेरे घर में खाना खा था सब कुछ फिर साहब आए तो साहब से बात कह रहे साहब उसके घर में फुल कारपेट है, दो दो ए सी लगे हुए हैं, हर कमरों में ए सी लगा हुआ है, हर कमरे में एल ई डी लगी हुई है उनके। मेरा डायरेक्टर तो दंग रह गया, बोल रहे लैंड क्रूजर उसके पास कार है सर ये गाड़ी, और डायरेक्टर मेरे परेशान मेरे को बुलाया बेटा तूने इतना कमा लिया हमारे लिए कुछ नहीं करा। इतफाक से मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने बोला हम तेरी वाइफ को देखने आ रहे हैं, वो मेरा घर भी देखने आ रहे थे मेरी वाइफ को आने से। तो दो डिप्टी डायरेक्टर एक का नाम है अहमद चन्ना और एक वेस के डायरेक्टर मोइन खान गोई, वो खुद देखने आए। देखने के बाद जब मेरे घर की कंडीशन देखी तो रोने लग गए, बात कहने यार तेरा नाम तो इतना बड़ा और लोग तो ऐसे बोलते हैं इतनी जायदाद है इतना ये तुम्हारा हाल है। तो खुदा कहने लगे कि बेटा बेफिक्र रहे तेरा मकान गिरेगा जो भी हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कराऊंगा ज़रूर, कुछ ज़मीन वमीन भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त आपका मैं करा के दूंगा। ये मदर खान जो कराची डायरेक्टर नालों के इंचार्ज फोकर पर्तन उन्होंने बोला था बेटा ये टूटेगा मैं आपको मकान में दिला के दूंगा तुम्हारा कुछ ना कुछ करके दूंगा, ये था मेरे को यानी मैं देखने से पहले लोगों ने बहुत अमीर समझते हैं मेरे को हाँ। देखने से पहले नाम से पता चल जाता है ना कि असिस्टेंट डायरेक्टर तो इसका मतलब है बहुत अमीर होंगे लोग ये समझते होंगे है ना, यानी कि ये था यहाँ खाने के पैसे नहीं है लोगों को मैं चाय तक नहीं पिला सकता हूँ ये हाल है हमारा, यानी कि चाय भी नहीं पिला सकते हम लोगों को, बर्तन तक नहीं है, बर्तन तक भी नहीं है। घर पे भी मैंने किचन खाली करा और इनके घर पे कांच के बर्तन भी है पूरे तरीके से हाँ, जो जैसे कांच के बर्तन होते हैं कोई मेहमान आ जाए तो बंदा पिलाने के लिए। ये पूरा घर की मेरी सेटिंग है ये आप देख रहे हैं टूटने से पहले, ये देख रहे हैं ये आप पहले आपका कैमरा दिखाया तो इस तरह आप ये रिपेयर से बांध के रखा ये देखिए टोटल किचन का सामान इनका बस ये है, कुछ कच्चियां हैं और ये कुछ कप पड़े हुए हैं और ये बर्तन है। होए 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 दोस्तों जिसकी आला आप देख सकते हैं
मैं तो खाना नहीं खाया था ना। आ जाएंगे ना, विजय नहीं खाएंगे यहाँ पे, जो बाहर वाली मस्जिद पे। अरे मुकाम है महमूद ना, ये नहीं बेटा, मुकाम है महमूद ना, कहते बोलो। खावतीन को सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलती है, इतना छोटा सा। मैं तो बोल रहा हूँ आपके चरणों में बैठने को दिल कर रहा है। हंसमुख हंसमुख वो तो है कसम से, बस लाइव कहती है अपनी, बस जबरदस्त लाइव, यानी के आपने अपनी यानी के जिंदगी बना ली आखिरत में माशाल्लाह से। ये होती है जिंदगी आखिरत की, कि ये तो सब जाना ही है, क्या ख्याल है? लेकिन जो आखिरत के ना, वो तो सारी जिंदगी जिंदगी फिर रहेगा अल्लाह के पास, हिसाब किताब तो। ओए होए माशाल्लाह यार, कसम से आपके तो मैं बोल रहा हूँ आपके चरणों में बैठने को दिल करता है, लेकिन आप हमें हमारे नहीं, हमें ऊपर बिठा के आप नीचे बैठ गए। हमारे बड़ों ने हमें यही समझाया है कि आप हमेशा सर नीचे झुका के चलो, क्योंकि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ के अंदर है। इज्जत भी वही देगा और जिल्लत भी वही करेगा आपको, दुनिया का रुफा भी वही करेगा। तो कोशिश ये करो तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचे। ये भाइयों की तरह है ये बच्चा, ये मेरा पड़ोसी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, मजदूरी दूँ तो ये मेरे घर में मजदूरी का काम इसने करा है और इसने दरवाजे वरवाजे बिगर पैसों का मेरे घर में लगाए। भाई मैं मजदूर के पैसे नहीं दे सकता था। तो ये सारे दरवाजे, ये सारे गिर गिरा गया ना बारिश में, तो इन्होंने ये सारा बारिश में सारा गिर गया था जी। तो पैसे नहीं थे बनाने के लिए, बनाने के लिए इस भाई ने बिगर पैसों के बिगर उसके मजदूरी इसने कटी है, ये दरवाजे वरवाजे उन्होंने लगाए, इन्होंने लगाए जी बगैर पैसों के। बगैर पैसों के और ये मेरे पड़ोसी है बेचारे,